हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएवी सिन्हा ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ की। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कांवड़िया पथ में रात हो चुकी है और बम लोग जो हैं अभी कंटिन्यू अभी चलते जा रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो दिन में धूप होती है उस वजह से चल नहीं पाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि रात में भी कांवड़िया लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो कांवड़िया पथ में जो है काफ़ी रौनक आपको देखने को मिलेगी। जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़ रखने का जो है स्पेस बना हुआ है, खाने पीने का सब कुछ जो है यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, ठीक है, निःशुल्क भी शिविर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और भीड़ देखकर मुझे तो लग रहा है कि इस बार जो है सोमवार का जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि कांवड़िया पथ में कांवड़ियों का आना जो है एकदम कंटिन्यू जो है बम लोग आते जा रहे हैं। तो पूरा मैं आपको दिखाते चल रही हूँ, कांवड़िया पथ का जो रूट है वो मैं दिखाते चल रही हूँ अभी, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, चलते रहिए। बम लोग बस बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस समय जो है उनको चलने में काफ़ी सुविधा जो है महसूस होती है। आप देख सकते हैं जगह जगह फ्रूट्स वगैरह भी जो है सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, फ्रूट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सारा कुछ यहाँ पर जो है व्यवस्था देखने को मिल रही है। जगह जगह कांवड़ रखने का भी जो है प्लेस बना हुआ है, तो इस तरह के देख सकते हैं खाने पीने का व्यवस्था भी जगह जगह है। सभी लोग बम लोग कहीं कहीं रुक कर आराम भी कर रहे हैं, जिनको चलना है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कांवड़िया पथ जो इतना बिजी हो गया है आप देख सकते हैं कि चलने में भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इस समय का जो नज़ारा है वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और बम लोग चलते जा रहे हैं अभी बोलबम का नारा लगाते हुए, जगह जगह जो आप देख सकते हैं कि बम लोग अपना विश्राम भी कर रहे हैं। पूरा मैं आपको दिखाते चल रही हूँ कांवड़िया पथ का जो ये नज़ारा है, रात में देखने में तो अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। और दिन से ज़्यादा जो रौनक जो है वो रात में ही देखने को मिल रही है। इस बार सोमवार को काफ़ी अच्छा भीड़ देखने को मिलने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं बम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी मैं आपको इधर से चलते हुए दिखाते चल रही हूँ, देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी रौनक लग रहा है। और अभी मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ कि इधर किनारे किनारे बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, ठीक है, उधर से आने के बाद इधर किनारे किनारे रोड साइड मेन रोड आ जाता है, तो इधर इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बम लोग इधर भी बड़ा सा देखिए शिविर बना हुआ है आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए, और जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं और जिनको चलना है जल्दी जल्दी देखते हैं, जिनको लगता है कि जल्दी बाबा मंदिर के प्रांगण पहुंचना है तो वो कंटिन्यू जो है चलते जा रहे हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया हुआ है रोड के किनारे साइड में, क्योंकि ये मेन रोड हो जाता है इधर, इसलिए इस तरीके से सेफ्टी के लिए इस तरीके से दोनों साइड से जो है पुल के पास भी देखिए उधर से भी बैरिकेडिंग किया गया है और इधर से भी बांस का जो है पूरा बैरिकेड किया गया है, देख सकते हैं। और बम लोग देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरा मैं आपको इधर दिखाते चल रही हूँ, और काफी अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों। तो बम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, काफी रौनक लग गई है। और इस बार सावन में सच में काफ़ी रौनक लगने वाली है, दो महीने सावन है और दूसरी सिमारी को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है देखकर। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि दर्शनिया मोड़ के पास में हूँ और इधर बम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो बाबा मंदिर के प्रांगण में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफी जो है गूंजे जो है बाबा भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो है दर्शनिया मोड़ के पास मैं आपको दिखा रही हूँ, दर्शनिया मोड़ का दृश्य है और बम लोग कंटिन्यू बाबा मंदिर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफी जोश में है और काफी उत्साहित है, क्योंकि वो बाबा नगरी में जो है प्रवेश करते ही जो है उनका उत्साह जो है दुगना हो जाता है। तो फिलहाल मैं ब्लॉग को यहाँ पर जो है एंड करती हूँ दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल भी नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हर हर महादेव।